खुशी तो है ये, और क्या है, लेकिन यहाँ पर जो है सरकार की नीयत पर हमें शक है। सरकार की नीयत पर इसलिए शक है क्योंकि जब इलेक्शन आने वाले होते हैं और सरकार जाने वाली होती है, जब इन्हें महिलाओं की याद आ जाती है, तमाम 9 साल जो है महिलाओं का दमन किया जाता है, उसी संसद में जो है ब्रजभूषण शरण सिंह बैठे हैं, उसी संसद में जो है ऐसे सांसद बैठे हैं जो महिलाओं के लिए तमाम जो है आपत्तिजनक टिप्पणियां करते हैं। भाजपा के ही 139 सांसदों के ऊपर केस दर्ज हैं, जिसमें से 98 के ऊपर गंभीर धाराओं में है, जिसमें महिलाओं के प्रति गंभीर धाराओं में भी केस दर्ज है। ये बात यहाँ पे मेंशन करना जरूरी है, अगर महिलाओं का इतना ही सम्मान है। लेकिन दो मुद्दों पर आपके रवैये पर प्रश्न उठता है, वो दोनों आपसे पूछती हूँ, फिर डॉक्टर सीमा के पास में जाऊंगी। सबसे पहला, आपने भी ओबीसी के लिए तो कोई प्रावधान नहीं रखा था, 2010 से 2023 आते आते ऐसा क्या बदल गया? मतलब आपका स्टैंड इस बात पर डिपेंड करेगा कि आप संसद में किस तरफ बैठते हैं। अगर आप विपक्ष में हैं तो आप भी ओबीसी की फांस घुसा दीजिए, वरना आप क्यों नहीं बाप बिल लेकर आए थे? और अगर वाकई इतने प्रतिबद्ध कांग्रेस पार्टी थी, आपने तो दशकों तक राज किया, तब क्यों नहीं पास कराया? जो पास कराएगा श्रेय तो उसी को जाएगा ना, फिर होड़ ले, ये होड़ क्यों है श्रेय लेने की? देखिए अंजना जी, पहले तो मुझे आपके शब्दों पर आपत्ति है कि ओबीसी फांस नहीं है। ओबीसी इस देश का बहुत बहुल जनसंख्या है, बहुत बड़ा हिस्सा। मैंने ओबीसी फांस नहीं बोला, मैंने आपके स्टैंड को फांस बोला। प्लीज करेक्ट योरसेल्फ, बोलिए। नहीं, आपने बोला कि ओबीसी की फांस अड़ा दो, तो ओबीसी ही है जिसने 2014 में और 2019 में योगी जी को इलेक्शन जिताया है। वो ओबीसी है जो जनता का प्रतिनिधित्व करता है। एससी एसटी और ओबीसी ये ऐसे जो है नंबर्स है जो इस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, और हर इलेक्शन में चाहे कोई भी सरकार हो, इनकी संख्या जो है वो तय करती है कि सरकार किसकी आएगी। तो इसमें जरूरी हो जाता है। तो ठीक है मैम, मैंने आपके स्टैंड पे सवाल पूछा, मैं पुनः अपने सवाल को बोलती हूँ। देखिए, अभी भी ओबीसी का प्रावधान नहीं है, लेकिन आप लोगों ने पक्ष में वोट किया ना कल, सबने लोकसभा में किया, लेकिन ओबीसी आप लोग उठा रहे फांस। मैंने इसलिए कहा क्योंकि पिछली बार भी अगर पास नहीं हुआ तो उसकी वजह यही था, समाजवादी पार्टी आरजेडी ने आपको घेर दिया था, आपको सरकार बचानी थी, इसीलिए फिर आगे, यही वजह थी ना? तब तो आपने भी ओबीसी का प्रावधान नहीं किया था। देखिए मैं आपको बताती हूँ कि कांग्रेस की नीयत और भाजपा की नीयत में क्या फर्क है। आपने ओबीसी पर हमसे सवाल पूछा, जब मनमोहन जी की सरकार आती है उसके वेरी नेक्स्ट ईयर जो है हम जो है आरक्षण, महिला आरक्षण बिल लेकर आते हैं, और उसके बाद जो है हम कास्ट सेंसस कराते हैं 2012 में। तो सीधा सा है कि हमने जब सरकार आते ही हम जो महिला आरक्षण की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हमारी नीयत साफ है, और उसके बाद हम कास्ट सेंसस करा रहे हैं, पूरी प्रक्रिया को हम फॉलो कर रहे हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि सरकार जब जाने वाली है तब आरक्षण को महिला आरक्षण की बात कर रहे हैं मोदी जी की तरह। ठीक है डॉक्टर सीमा, आपका क्या पक्ष है इस पर? देखिए लोकसभा में तो सबने, सुप्रिया सुले को भी हमने सुना, उन्होंने भी एससी एसटी ओबीसी की बात कही, लेकिन सवाल है कि फिर सबने एक साथ होकर इसको वहां से पास कराया है, तो क्या जो मौजूदा सरकार है वो अगर इसका श्रेय लेती है कि हमने ये महिला आरक्षण बिल पास कराया, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ये श्रेय उसको नहीं जाना चाहिए? देखिए विमेंस रिजर्वेशन बिल आज पास हुआ है, और किसी एक को श्रेय देना इसका मुझे नहीं लगता कि काफ़ी लोग हैं जिन्होंने की शुरू करा, शायद 1993 से हमें याद आती है जब सरोजनी नायडू जी ने उठाया इस क्वेश्चन को। और देखिए मैं आप कहूँगी, माननीय हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय श्री शरद पवार जी, उन्होंने सर्वप्रथम जब 1994 में वो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने उस समय एक नेशनल वुमेन्स पॉलिसी लाई थी, और उसके अंतर्गत 33% रिजर्वेशन दिया गया था।